हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? आप जानते हैं अपने डेली खोज खोज में बेहतर योजना पक्के अपडेट लेकर आता रहता हूं। आज जो अपडेट लेकर इंडियन वाइल्ड की तरफ से, जो आपके बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, इस वैकेंसी के लिए डिप्लोमा आईटीआई 12 पास आउट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों, इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो पोस्ट है 505 पोस्ट है, इसका जो लास्ट डेट आने वाला 26 दोस्त। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो वैकेंसी निकाला गया, ये ट्रेड अप्रेंटिस के लिए निकाला गया, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए निकाला गया, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए निकाला गया, ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंट्स के लिए निकाला गया। तो अगर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सभी स्टेट में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, सभी में से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो वेस्ट बंगाल का, आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए है, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 90 है और टेक्नीशियन के लिए 123 है। ठीक है, और बाकी जो है ट्रेड डाटा एंट्री ऑपरेटर 12 पास आउट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें दो पोस्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दो पोस्ट है, ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल्स के लिए भी है, अकाउंट्स के लिए है, एसोसिएट फ्रेशर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, देख पा रहे हैं डाटा एंट्री के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सब स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे दे दी गई है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो बिहार से देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 30 पोस्ट है, टेक्नीशियन के लिए 40 पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, देख पा रहे हैं, बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस डाटा ऑपरेटर के लिए, रिटेल सेल के लिए, स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए देख पा रहे हैं, टोटल पोस्ट 2 है, 1 है, 2 है, 1 है। ठीक है दोस्तों, फिर ट्रेड अप्रेंटिस इसमें उड़ीसा में देख पा रहे हैं, टोटल 30 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और जो टोटल पोस्ट है ना, देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ जो टोटल पोस्ट है ऑल स्टेट का पोस्ट लगा के यहाँ पे टोटल पोस्ट 505 पोस्ट, इसका 505 पोस्ट इसका टोटल पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इसका क्या क्वालिफिकेशन है। इसका क्वालिफिकेशन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हो तो आपको मैट्रिक के साथ फुल टाइम मैट्रिक के साथ आपको आईटीआई कोर्स होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हो तो आईटीआई 10 के बाद, 10 आफ्टर 10 के बाद आपको आईटीआई होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सेकंड है ट्रेड अप्रेंटिस अलग अलग ब्रांच के साथ है दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं फिटर के लिए आईटीआई आपसे पास आउट हो तो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए, आप आईटीआई पास आउट तो आप ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, दूसरा यहाँ पर देख पा रहे हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस में आप 3 ईयर डिप्लोमा किए हो आफ्टर 10 के बाद 45% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के साथ। जैसे कि ब्रांच आपका कोई भी हो सकता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, आप जिस भी ब्रांच से आप डिप्लोमा पास आउट हो 3 ईयर डिप्लोमा तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। थर्ड यहाँ पर देख पा रहे हैं, थर्ड यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको नॉन ग्रेजुएट के साथ आपको 12 पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप ट्रेड अप्रेंटिस के लिए डाटा एंट्री स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए 12 पास होना चाहिए दोस्तों। आप 12 पास हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, एज की बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर एज आप देख पा रहे हो कि मैक्सिमम 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम इसका 18 साल है दोस्तों। 31/1/2021 के अनुसार आपको 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों, मिनिमम इसका एज 18 ईयर दे दिया गया दोस्तों। बाकी कैटेगरी के अनुसार आपका एज रिलेक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसका जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका ट्रेनिंग ड्यूरेशन टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिस आईटीआई के लिए आपको 12 मंथ का रहने वाला है इसका ट्रेनिंग ड्यूरेशन। बाकी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15 मंथ इसका रहने वाला है, रिटेल सेल एसोसिएट के लिए, फ्रेशर के लिए आपका 14 मंथ का इसका ट्रेनिंग रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसका जो सिलेक्शन मेथड रहने वाला है, इसका जो सिलेक्शन मेथड है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप स्क्रीन में, 90 मिनट का आपका टाइम दिया जाएगा दोस्तों, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका यहाँ पर बता दिया गया है अगर ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंट के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको जनरल एबिलिटी रहेंगे, रीजनिंग रहेंगे 30-30 मार्क्स, 40 मार्क्स इंग्लिश रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आईटीआई से अप्लाई करते हो तो 40 मार्क्स रहेंगे टेक्निकल से क्वेश्चन, 20 मार्क्स रहेंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड, 20 मार्क्स रहेंगे रीजनिंग और 20 इंग्लिश के रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों के लिए हो गया दोस्तों, ट्रेड अप्रेंटिस आईटीआई और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए आपको ये रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, कितना रहेंगे सिलेबस में। ठीक है, और जो टाइमिंग ड्यूरेशन है इसका, टाइमिंग ड्यूरेशन 90 मिनट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अप्लाई करने के कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करना होगा, अप्लाई में आपको इंडियन वर्ल्ड की वेबसाइट पर चल जाना होगा, जाने के बाद आपको कैरियर पेज में चल जाओगे ना, अप्रेंटिस में जाके आपको जो भी आप टेक्निकल से अप्लाई करते हो, टेक्निकल से या नॉन टेक्निकल से, तो उससे आप चॉइस करके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पर फॉर्म सिर्फ फिलअप हो जाता है तो रिटर्न एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आपको एसएमएस द्वारा, ईमेल द्वारा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो लास्ट डेट रहने वाला दोस्तों, इसका जो स्टार्टिंग डेट है 28 जनवरी से इसका स्टार्टिंग डेट चालू हो गया दोस्तों, तो आप अप्लाई कर सकते हो 28/1 से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसका जो लास्ट डेट है 26/2 रहने वाला लास्ट डेट इसका दोस्त। ठीक है, इसका जो डाउनलोड एडमिट कार्ड वो 1/3 को आना, मार्च में इसका एग्जाम होने वाला दोस्तों। ठीक है, मतलब मार्च में आपका एग्जाम होने वाला दोस्तों। इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है मार्च में आपको कंप्लीट, पूरा प्रोसेस मार्च तक आपको टोटल प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों।